अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ ज़िंदगी खबर के साथ, मैं आमिर आज़ाद। पाकिस्तानी क्रिकेट के जो हालात और मामलात हैं उस पर बात होगी, और आप देख रहे हैं कि संडे का दिन है और जो पाकिस्तानी आवाम है, ये बच्चे हैं, ये सारे इस टाइम क्रिकेट इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है और कुछ पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन है कि हमारे घरों के करीब, रेजिडेंस एरिया के करीब ग्राउंड नहीं है, तो ये बच्चे सड़क पे क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शिरोज शाह है। शिरोज भाई, ये सारी क्रिकेट जो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, आप सबसे सीनियर लग रहे हैं, मैंने इसलिए आपसे बात की है कि ये आप ऑर्गेनाइज कराते हैं इधर बच्चों के साथ शुगल मेला जो लग रहा है। असल में ना हमारे जो मोहल्ले के बच्चे ना बहुत टैलेंटेड है, इनको ना खेलने के लिए कोई प्लेस नहीं मिलती। आपको पता पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन इनको बच्चे ये जगह मांगती है, क्रिकेट प्लेस आती है। ग्राउंड नहीं है इस एरिया के करीब? इस एरिया में कोई ग्राउंड नहीं है, हम सड़क पे खेलते हैं। इवन के मैं उनको बच्चों को मना करता हूँ कि सड़क पे ना खेला करें, कि कोई गाड़ी वगैरह ना लग जाए। तो कोई हादसा तो नहीं ऐसा होता आपके साथ या कोई हुआ ऐसा? इधर दो तीन बार ऐसे हादसे पेश आए हैं कि बच्चे वगैरह लगे हैं बाइक के साथ, मैं इनको मना करता हूँ। मैं इनको कहता हूँ बी केयरफुल होके पूरा फोकस करके खेला करें, और छोटे बच्चों को मैं कहता हूँ ना खिलाया करें अपने साथ। देखिए ना ये रोड चल रहा है, ऐसी बिल्डिंग के दौरान कोई बच्चा हिट हो सकता है बाइक के साथ, गाड़ी के साथ। तो बस आप क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को कि हमारे लिए, आपके लिए, खेल कूद के लिए कोई ग्राउंड होनी चाहिए? मैं गवर्नमेंट को यही मैसेज दूंगा, हमारी आवाम बहुत टैलेंटेड है, आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमें छोटा सा एक ग्राउंड दे दे जिधर हम प्रैक्टिस कर सकें और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। वेरी गुड हो गया। अच्छा शिरोज, मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इस टाइम वाइट वॉश करवाया अपने ही घर में, अपने ही ग्राउंड में, इंग्लैंड वाले आए और उनको 3-0 करके चले गए, कैसे देखते हैं इस इवेंट को? पाकिस्तान की इस टीम से तो मैं सेटिस्फाई हूँ, मतलब कि हार जीत तो गेम का हिस्सा है, लेकिन ये अपना पूरा 100% देती है। इस बात की मैं बहुत खुशी है कि जो न्यू प्लेयर आए हैं जैसे शदाब खान, शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और हमारी बॉलिंग अटैक तो मैं कहता हूँ कमाल। न्यूजीलैंड आ गई है, कल से न्यूजीलैंड का टेस्ट स्टार्ट है, क्या कहेंगे? वो टेस्ट पाकिस्तान जीत पाएगा? ये इंग्लैंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। कोई बात नहीं, अल्लाह के हुक्म से मिलेंगे सारों को। अच्छा, जीतेगी पाकिस्तान इंशाल्लाह, हमारी पूरी दुआएं उनके साथ हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया।